दोस्तों रिसेंटली टाटा मोटर ने अपनी मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सॉन के फेसलिफ्ट अवतार को भारतीय बाजार में बहुत ही जबरदस्त डिजाइन, डायनेमिक्स एंड प्राइस रेंज पे उतार दिया है। और अब एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आ रही है क्योंकि नेक्सॉन सीएनजी अवतार में लॉन्च होने जा रही है बहुत ही जबरदस्त माइलेज के साथ। इससे पहले इस सेगमेंट में पहले ही मारुति सुजुकी की कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा सीएनजी अवतार में मौजूद है। दोस्तों अभी तक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में केवल और केवल मारुति सुजुकी ब्रेजा ही उपलब्ध है, कोई भी कॉम्पैक्ट एसयूवी सीएनजी अवतार में नहीं लॉन्च हुई है। अब इस सेगमेंट में टाटा मोटर अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सॉन फेसलिफ्ट अवतार को सीएनजी अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के साथ साथ टाटा नेक्सॉन ईवी का फेसलिफ्ट अवतार भी भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था और इसमें आपको नेक्सॉन के मुकाबले 12.3 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को। साथ में जबरदस्त इसमें फीचर दिए गए हैं, 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, साथ में आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड किया गया है और इसके अलावा आपको यहाँ पे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स दिए गए हैं। वहीं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको 10.25 इंच का मिलता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और जैसे कि ये ईवी मॉडल है यहाँ पे आपको ईवी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। एमटी टू डिस्टेंस मॉनिटर में आप देख पा रहे हो लेकिन ईवी की जगह सीएनजी का यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाया गया है फ्यूल, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि सीएनजी मॉडल बहुत ही जल्दी आने वाली है। और जी हाँ दोस्तों ट्विन सीएनजी सिलेंडर टेक्नोलॉजीज के साथ उपलब्ध होगी जो कि टाटा पंच में भी आपने देखा होगा। फ्लैट बॉटम, टू स्पोक, टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलेगा पेडल शिफ्टर के साथ। साथ ही आपको यहाँ पे ऑडियो माउंटेड कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल, इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो एज इट इज़ देखने को मिलेगा लेदर रैप्ड में, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन्स बिल्कुल एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको VS6 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। और सीएनजी में पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 78 bhp के पावर एंड 103 nm का पीक टॉर्क जनरेट करने वाला है। माइलेज एक्सपेक्टेड 26.99 kmkg की मिलने वाली है। और वहीं हम इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की बात करें तो एंड ऑफ दिस ईयर और अर्ली 2024 में ये लॉन्च हो सकती है दोस्तों। और वहीं इसकी जो प्राइस है एक्सपेक्टेड प्राइस रेगुलर वेरिएंट से 95,000 एक्सपेंसिव होगी।